लाल किताब एक ऐसी किताब है, अगर आपने उसको अच्छे से अपने जहन में बिठा लिया, आपकी कोई प्रेडिक्शन गलत नहीं जाएगी, आपका कोई उपाय गलत नहीं जाएगा, बल्कि आप सामने वाले को और आने वाली मुसीबतों से बचा सकोगे। लाल किताब इतनी गहराई में है कि उसको हमें समझना बहुत जरूरी है। और हम समझेंगे कैसे? हम समझेंगे हर ग्रह के बैकग्राउंड से, पंडित जी हमें बताते गए। लाल किताब खाली एक ज्योतिष नहीं है, ज्योतिष निराली नहीं है, वो हमें जीने का रास्ता बताती है। वो हमें समझाती है कि भाई तुम इस दुनिया में आए हो, तुम किस लिए आए हो और क्या करके जाना है तुमने, और कैसे जियो ताकि तुम्हारी जिंदगी सफल रहे। लाल किताब हमें रिश्तों का महत्व बताती है। लाल किताब में आपको ग्रह को समझना है, ग्रह को 1 से 12 के घरों में देखना है, 1 से 12 के घरों के उस ग्रह के सामने वाले घर को देखना है, सांझी दीवार को देखना है, युतियां पकड़नी है, वर्षफल पकड़ना है। आपको मालूम है कि पंडित जी जब कुंडली देखते थे वो लगन से नहीं देखते थे, वो वर्षफल से देखते थे, आगे का पीछे का वर्षफल। वो आपके हाथों को देखते थे, आपके दांतों को देखते थे, आपके हाथों के नाखून देखते थे, पैरों के नाखून देखते थे। ऐसे थोड़ी वो जब बोल देते थे, अरे भाई तेरा तो ये है, तेरे घर में यहाँ पे ये पड़ा है। वैदिक में काउंट करते हो, षट बल निकाल लिया, ये ग्रह इस वाले राशि में है तो इस ग्रह की राशि वहां बैठी है तो आपका अच्छा है। बिल्कुल अलग है ये साइंस, और ये साइंस इतनी इतनी स्टीक है, इतनी इतनी इसमें पावर है, आपके पिछले कर्म अगले कर्म सब खोल के रख देगी। हम लाल किताब में राशियां नहीं लेते, हम लाल किताब में खाने लेते हैं और खानों में बैठे हुए ग्रह लेते हैं। लाल किताब ना राशियां लेती है ना नक्षत्र लेती है, वो सिर्फ ग्रह लेती है और उन्हीं ग्रह से हमारी कहानी चलती है। लाल किताब आपको आपका किस्मत का ग्रह बताती है कि भाई किस चीज का काम कर जो तू आगे जाएगा, कौन सा रिश्ता तेरे लिए इंपॉर्टेंट है जो तू ऊपर से लिखवा के लाया है, उस रिश्ते से मत बिगाड़ लियो जी। अपने रिश्तेदारों के घर क्या लेके जाना चाहिए और क्या नहीं लेके जाना चाहिए, उतनी सी चीज तू संभाल ले, तेरी आमदनी संभल जाएगी। तेरा घर ऐसा होना चाहिए, यानी आप ये सोचो हम इसमें वास्तु भी कर रहे हैं, हम इसमें वैदिक भी कर रहे हैं और हम इसमें अपनी आमदनी भी बढ़ा रहे हैं। इतनी विशाल है लाल किताब, मार्केट में हम उसको एक शापित किताब कहते हैं या हम उपाय की किताब किताब कहते हैं, दोने तोड़ के। मानोगे नहीं कि कितनी बार मेरे सामने इंसान होता है, सिर्फ सावधानियां देती हूं मैं, वो सामने से पूछता और कुछ नहीं करना, मैं कह नहीं और कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना ही करो, काम हो जाता है। तो इतनी आसान है लाल किताब, और हम ढूंढ रहे होते हैं उसकी वो छोटी सी, अरे चंद्रमा 8 में है चलो उपाय दे दो। और वैदिक वाले चौथे चौथा राशि पड़ी है 8वें में, वहां बैठा है चंद्रमा, अरे भाई अपनी राशि का चंद्रमा है लेकिन 8वें में है, पत्थर पहन लो। लाल किताब आपको आपकी जिंदगी जीने में आसान बनाती है। ये किताब नहीं, ये ग्रंथ है, इसको मैं ग्रंथ कहूंगी। आपकी मौत का दिन आप खुद कैलकुलेट करना सीख जाते हो लाल किताब में। कितनी एडवांस साइंस है ये, और हम इसको जादू टोने टोने टोटके की किताब कहते हैं। तो लाल किताब जो पूरी टिकी हुई है वो बुद्ध के उस पे टिकी हुई है, और बुद्ध से ही सारी लाल किताब चलती है। तो
लाल किताब का नाम लाल क्यों है, उसको पंडित जी ने लाल ही कवर क्यों दिया। वो अपनी भी जो किताबें रखते थे वो लाल जिल्द में रखते थे, जैसे पंडित का एक ये चीज थी कि भाई लाल रंग हमारे हिंदू धर्म में लाल रंग को हम बड़े ऑस्पिशियस मानते हैं, कि हम ये कहते हैं कि भाई लाल रंग जो है आपको डेंजर से बचाता है। लाल रंग हमारे खून का रंग भी होता है, लाल रंग जो है वो सुहागन जब जोड़े का भी रंग होता है, तो वो किसी नई चीज को शुरू करना या बुरी नजर से बचना या आपको डेंजर से बचाना वो लाल रंग होता है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि भाई लाल रंग मंगल से जुड़ा हुआ है, उन्होंने कहा कि भाई बुध को एक ही ग्रह कंट्रोल करेगा। अगर मैंने इसके कागज खुले थे, उनके बाइंड तो नहीं हुए थे तब, जो फर्स्ट उनकी बुक थी उसमें खुले कागज में रखूंगा तो ये बुध हम बाहर निकलेगा या हंगामा करेगा, तो उन्होंने लाल रंग में उसको कवर कर दिया, इसलिए इस किताब का नाम लाल किताब पड़ गया।